घर में स्टूडियो बनाने में कितना खर्च लगता है? जो होम सेटअप तैयार होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, खर्च से रिलेटेड नहीं बनाया है। होम सेटअप कैसा होता है वो सभी चीज़ मैं बताया हूँ, खर्च कितना लगता है हम ये समझते हैं। मेरा जो बेसिक सेटअप है, थोड़ा हम ये देखें कि मेरे एक दोस्त का है सेटअप, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। क्या खर्च लगता है एक राउंड फिगर हम समझेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत हेल्प मिलेगा कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं और कितना लगता है। आइए समझते हैं। म्यूज़िक से जुड़ी हर बात जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल आइकन दबाएं हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विजिट करें हमारा वेबसाइट, यहां आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। घर में स्टूडियो बनाना है, सबसे पहले एक कंप्यूटर अच्छा होना ज़रूरी है। कंप्यूटर अगर आप लैपटॉप लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा महंगा आएगा, वही कॉन्फ़िगरेशन अगर आप डेस्कटॉप लेंगे तो वो थोड़ा कम में आ जाएगा। 35,000 से 40,000 का आप डेस्कटॉप बनवाएं तो बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा पूरा आपका, एक एडिटिंग के लिए सब कुछ, क्योंकि सॉफ्टवेयर अच्छे यूज होते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी है। एक कंप्यूटर आप बना लीजिए, उसके बाद साउंड कार्ड लेना पड़ेगा आपको। साउंड कार्ड की जो प्राइस होती है 13,000 40,000 के आसपास होता है। मैंने जो लिया था स्कारलेट का बंडल लिया था, फोकस राइट का जो 20,000 का पूरा बंडल था, उसमें मुझे एक बेसिक कंडेंसर माइक मिल गया था और एक हेडफोन मिल गया था स्कारलेट का और साउंड कार्ड। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं कंप्यूटर में अगर हम लगा दें तो मेरा एक बेसिक स्टूडियो में क्या होता है, साउंड रिकॉर्ड के लिए मेरा सारा काम हो जाएगा। तो वो मैंने सबसे पहले लिया, कुछ महीने उसे सीखा, उसके बाद मैं और कंडेंसर माइक को इम्प्रूव किया, रोड एंटी वन ए लिया। इसकी जो प्राइस है 17,000 के आसपास है, मैंने 16,600 में लिया शॉप से जाकर। ये चीज़ें हो गई। अब आगे समझते हैं कि ये हमारा जो टेक्निकल जो चीज़ें चाहिए मुझे एक गाने रिकॉर्ड करने के लिए, एडिट करने के लिए, वो सभी चीज़ें हो गई। कंडेंसर माइक हो गया, साउंड कार्ड हो गया, कंप्यूटर है हमारे पास, तो हम आराम से गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब क्वालिटी अच्छी कैसे होगी? हाँ, कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप कहीं से भी आप ले भी सकते हैं, फ्रेंड से जिनके पास अगर होगा ओरिजिनल, आप आराम से ये आपको अरेंज करना है कैसे होगा। उसके बाद अब जो एक्स्ट्रा जो आपको एडिशनल जो चीज़ें करनी है वो आती है वोकल बूथ, जहाँ आप कंडेंसर माइक को रखेंगे। वोकल बूथ आप टेम्परेरी भी बना सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैंने थर्मोकोल का शीट से एक अच्छा, जैसे पुराना स्टडी बूथ होता था ना, उस तरीके का मुझे बनाना पड़ेगा। फर्स्ट उधर से मुझे और साइड से दो वॉल लगाना पड़ेगा, एक ऊपर और उसके अंदर मुझे फोम, एक्वेस्टिक फोम मुझे लगाना है, ताकि जो मैं बोलूँ उसका रिवर्ब मुझे ना आए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो। वो आप चीज़ें कर सकते हैं। मैंने जो किया, थर्मोकोल लिया और एक्वेस्टिक फोम मैं एक 2 इंच का लिया, 6x3 का, और मैंने उसके अंदर लगाया। ऐसे करके मैंने बना लिया वोकल बूथ अपने लिए, काम चलाओ। उसके बाद अब आती है थोड़ा रूम को भी आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि रूम में रिवर्ब आती है, दीवार से आवाज़ टकराता है फिर आता है माइक में, तो माइक में एकदम क्लियर आना चाहिए। तो आपको रूम को थोड़ा बनाना पड़ेगा साउंड प्रूफ। इसके लिए अमेज़ॉन पे एक्वेस्टिक फोम मिलते हैं, उसका जो प्राइस है 9 पीस का प्राइस है, लगभग 2,000 के आसपास आपको मिलेगा। किसी किसी का प्राइस 2,700 है, किसी का 1,600 है, किसी का 2,000 है। आपको देख के दो सेटअप कम से कम आप दो उसका बंडल आप ले सकते हैं, ताकि आप एक रूम को रूम में आप लगा सके और काम हो सके। और भी आता है कॉर्नर से, जो रूम का कॉर्नर है, रूम का जो कॉर्नर है, ये चीज़ें आती हैं कि रूम का कॉर्नर से आवाज़ रिफ्लेक्ट करके आता है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक्वेस्टिक फोम का ही बना हुआ एक सेटअप आता है जो कॉर्नर पे लगा रहता है, उसका अलग से प्राइस है, लगभग 2,500 से 3,000 के आसपास आता है। वो अगर आप लगा लें तो और अच्छा है। ये चीज़ें हो गई। अब रूम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये जो मेन खर्च था हमारा वो इतना ही था। अब एक्स्ट्रा जो होगी, जैसे रूम में आप सामान रखिए, बेड लगा लीजिए, जो विंडो है उस पे आप पर्दा जो है बहुत अच्छा लगा लीजिए, ताकि आप वहाँ आप साउंड आपका एब्जॉर्ब हो सके। आप नीचे मैट लगा सकते हैं, जो फर्श होता है ना वहाँ से साउंड बहुत रिफ्लेक्ट होके आता है, तो आप मैट लगा सकते हैं। मैट का प्राइस आपको पता है, जो उसका मेज़रमेंट होता है 6x4, ये सब जो मेज़रमेंट है वो 500 के आसपास
आता है वो 2-3 मैट आप लगा सकते हैं, बेड है। अब पूरे दीवार में, पूरे दीवार को साउंड प्रूफ बना ले तो और अच्छा है, पूरा एक्वेस्टिक फोम लगा के। नहीं तो कुछ जगहों पे, कॉर्नर्स पे, पूरे लाइन पे जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है वहाँ लगा ले, दीवार के बीचों बीच स्क्वायर टाइप का बड़ा सा बना के लगा ले। जो रूफ़ है ऊपर वहाँ आप स्क्वायर टाइप का बना ले, एक्वेस्टिक फोम लगा ले, वो अच्छा है। बाकी जो जगह बचा वहाँ आप पर्दा टांग सकते हैं दीवार में, पूरा सटा के, थोड़ा मोटा, वो भी साउंड बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तब जाके आपका एक रूम साउंड प्रूफ बनेगा और आपका एक स्टूडियो तैयार हो जाएगा। अब इन सब में जितना खर्च लगा, जो लगना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। अब इसके साथ आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं, वो आपके अनुसार है कि आप कितना अपग्रेड कर रहे हैं, आप माइक और कितना अच्छा ले रहे हैं, कंप्यूटर कितना अच्छा बना रहे हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने जो चीज़ें यूज़ की जिससे मेरा काम चल जा रहा है, यूट्यूब वीडियोस और मेरे जो सॉन्ग हैं वो मेरे काम चल जाए, रिकॉर्ड हो जाए, मैंने उस तरीके का किया है। ये खर्च लगता है और ये लगेगा ही, और भी कम में हो जाता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। जो दोस्त काम कर रहे हैं स्टूडियो में, उनसे बात करने से आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि और कौन सा माइक लें ताकि और अच्छा क्वालिटी आए। इन ये सभी चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेगी। जो बेसिक खर्च है वो मैंने आपको बताया, और भी अगर कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करें अपनी बात, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे देखिए। और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो, अपनी बात अगर कुछ कहनी हो तो आप फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली गाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास 2 तरह से होता है, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए फेस टू फेस सामने बैठकर, और दूसरा व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए।